पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राजस्थान के अलवर में हुए गैंगरेप मामले में दलित समुदाय में पनपे गुस्से के चलते आज मुरादाबाद में भी दलितों ने एक जुलूस निकालकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के अलवर में हुई गैंगरेप जैसी दुशासनिक वारदात से इंसानियत को शर्मसार किया है। कुछ युवकों द्वारा एक दलित महिला के साथ किए गए गैंगरेप के बाद से पूरे देश दलितों में भारी रोष फैला हुआ है। इस घटना के विरोध में आज मुरादाबाद में अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ से जुड़े लोगों ने स्थानीय अम्बेडकर पार्क में एक जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां थी। ये लोग दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ये हमारा प्रदर्शन अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ के नेतृत्व में है और भारत के अंदर जो विभिन्न प्रांतों में अनेक घटनाएं घट रही हैं उनके विरोध में है। जैसे कि अलवर में एक सामूहिक बलात्कार हुआ है और वहां पर जो है बहुत लंबे समय तक पुलिस इस केस को दबाए रखी थी, तो उसके विरोध में है। और दूसरा जो है टिहरी में एक दलित को जो है केवल सामने बैठ के खाना खाने की वजह से ही मार दिया। और यहाँ मुरादाबाद में 4-5 घटनाएं घट गई। असमोली के अंदर पुलिस के सिपाही ने एक 13 साल की जो है नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया है। पूरे मतलब सबूत मिल चुके हैं लेकिन अभी तक वो सिपाही जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। और ठाकरद्वारा के अंदर दलित छात्र की हत्या हुई है, उसमें अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। और बिजनौर के अंदर बड़ापुर में चुनाव से एक दिन पहले 3 लोगों को गोली मारी है, 2 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की हमारे मौके पर मृत्यु हो गई, उसमें अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं ये इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है और मांग की है कि अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा संगठन जो है भविष्य में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। तो किसको ये ज्ञापन? ये हमारा एक ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और एक ज्ञापन जो है हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित।